बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर हिंसा। हिंदुस्तान में उबल रहा हिंदुओं का गुस्सा। बांग्लादेश में कब थमेगी हिंदुओं पर हिंसा? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा कब थमेगी? बांग्लादेश की नई सरकार कब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेगी? कब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे? ये वो सवाल हैं जो भारत के हिंदुओं को भी चैन से सोने नहीं दे रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और देश भर में बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ संभल में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर पीड़ित हिंदुओं को भारत में लाने की मांग की है। तो रांची में कई हिंदू और बंगाली संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में भड़के हिंसा और फिर हिंदुओं पर शुरू हुए हमले के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर आक्रोश जता रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो अविलंब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएं और उनको ये सजेशन दें कि भारत की शांति सेना बांग्लादेश में जाना चाहिए, इसकी ऑथोरिटी दे और भारतीय सेना को शांति सेना के रूप में भेज कर वहाँ के हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साधु संतों में रोष है। साधु संत लगातार सरकार से इस मामले में कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही जाति पर सरकार से दखल देने की मांग की। संतों के चित्त में आक्रोश है इस देश की सरकार से। हमारी ये चाह है कि वो वहाँ के, मैं निश्चित मानती हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सरकार ने कदम उठाए होंगे, लेकिन हम यहाँ भारत के समस्त हिंदुओं को ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है। आज हरिद्वार के 13 अखाड़ों के पूज्य संतों के प्रतिनिधित्व ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वाराणसी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी तो राजधानी दिल्ली में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान में जारी इस विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आज बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हिंदू छात्र नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने अंतरिम सरकार के सामने कुल 8 मांगे रखी हैं। पहली, अल्पसंख्यकों पर हुए हमले का स्पीड ट्रायल किया जाए। इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाकर दोषियों को जल्द सजा दी जाए। पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। बिना देर किए अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाया जाए। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया जाए। हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को फाउंडेशन का दर्जा दिया जाए। साथ ही क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट को भी यही दर्जा मिले।
प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। सभी शैक्षणिक संस्थाओं और हॉस्टल में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना कक्ष बनाया जाए। संस्कृत और पाली एजुकेशन बोर्ड को मॉडर्न बनाया जाए। दुर्गा पूजा पर 5 दिन की छुट्टी दी जाए। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के 205 मामले सामने आ चुके हैं और यूनुस सरकार बेबस है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार है जब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है।